कुछ आप नसीब लेके आते हैं इस दुनिया में, तो शायद मैं भी ऐसा वो शख्स हूँ जो एक अच्छा नसीब लेके आया। मैंने रिक्वेस्ट की और उसे दलेर पाजी ने एक्सेप्ट किया, और मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। सेम हैपनिंग इज विद द हितिन तेजवानी जी, सेम हैपनिंग विद द हेमंत पांडे जी, सेम हैपनिंग विद मेरे प्रोड्यूसर फहीम कुरैशी जी, इंद्रानी। तो मैं एक बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन जब तैयार हो गया, तो हम लोगों ने पाजी के नेतृत्व में, हितिन भाई के सदे हुए सेनापतित्व में, और आदरणीय हेमंत पांडे जी के कुशल व्यू रचना में इस फिल्म को बनाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत पसंद आएगी लोगों को। जब आपको गाना आया था, तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था और क्या? मैं गाना बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत अच्छा लगा। इनका नेचर बहुत बहुत कमाल था। अगर मिलने आए, मैं ना फिल्म करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो धीरे 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 समझाते गए, तो मुझे बातें सारी समझने में 3-4 हफ्ते लगी है इनकी बातें। फिर मुझे लगा कि चलो यार कर देते हैं, पहले गाना हो गया, फिर बाद में थोड़ी देर मैं चाहता हूँ कि आप तो वीडियो में मैं तो शायद आप पे कर लूँ। मुझे लगा कि कोई कोई कुछ करना चाह रहा तो जरूर कर। मैं वैसे बहुत ही अब बहुत मूडी हूँ, और कई बार बहुत बड़े बड़े काम पैसा भी होता है लेके आते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करना। तो कई बार ये हुआ कि यार कुछ कोई करना चाह रहा तो क्या पता कैसा माहौल हो। और मैं बहुत ही, मुझे इस बात की खुशी है कि रब ने यह दिन दिखाया कि आज हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं। और वरना फिल्में तो बहुत सारे लोग लेके आते हैं, बहुत कुछ होता है, पर बहुत आप सबको मुबारकें नए साल की, और हम सबको बहुत मुबारकें कि इस साल के अंदर शुरुआत में ही फिल्म शतरंज आ रही है और बड़े पर्दे पर आ रही है। इसकी जो हुक लाइन है वो दलेर पाजी की है, जो जो इसमें जो एक्ट किया है वो पाजी, आप पोस्टर भी देख पा रहे हैं कि पाजी की हुक लाइन है, तो ये एड ऑन था। कुछ लाइन हो जाएगी, गड़बड़ गड़बड़ अब तो इतना ही तो मेन हुक लाइन ही चली जा रही पूरा दिमाग में, और आपको जब जब मूवी देखेंगे आपके यही बस जाएगी दिमाग में गड़बड़ गड़बड़, तो फिर आप भी खुद करोगे, खुद ही घर में शतरंज चलाते फिरोगे कि कुछ गड़बड़ है, पीछे से यही म्यूजिक चलेगी गड़बड़ गड़बड़। मेरे मैं तो कैरेक्टर एक्टर तो बात की बात है, जिस दौर में ये पिक्चर आई थी अपने पास वो उस वक्त ऐसा था कि मुंबई में रुके कि जाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कब शूटिंग शुरू होगी ये पता नहीं था। तो ऐसे दौर में जो है आप एकदम हमारे लिए अन्नदाता बन के आए उस वक्त, तो मैं मना करने वाला तो कोई बात ही नहीं थी। और इनके शर्त व्हाट्सएप पे मैसेज देते थे कम पैसे वाला, तो वो भी हमें मंजूर था खुल के, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जब काम में आए, शूटिंग में आए, जिस शिद्दत से, क्या होता है एक तो हम जिस भाव से आए ठीक है, लेकिन मेन जो आदमी जो चला रहा है, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, उनकी शिद्दत देखी, उनका जुनून देखा, तो वो फिर उसके बाद फिर किरदार की वजह से समझाया। तो और हम तो वैसे वाले एक्टर हैं कि डायरेक्टर की बात सच्चाई से सुन लेते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, फिर सब लोग उसको अच्छा समझते हैं। तो वैसे ही आपके साथ भी हो, आपकी बात पूरी सुन ली, तो एक ऐसा किरदार जो कि सस्पिशियस आपको लगेगा यही आदमी, हर हर कई सिचुएशन ऐसी आती है तो आपको लगता है यही वो मेन आदमी है। हाँ वाह, तो यही गड़बड़ है। हाँ तो वो मौका मिला बड़ी सहजता के साथ आपने भाजी, बहुत सरल तरीके से जिस तरीके से मेरे को प्रस्तुत करने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। और नितिन भाई जैसा एकदम मुक्त स्वभाव का आदमी, कलाकार अच्छा, और उसके बाद आदमी अच्छा, तो अच्छी लोगों में के साथ, और इस साल की तो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है कि हम दिलेर पाजी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही गर्व की बात है। मेरा किरदार ऐसा है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा इसमें नहीं, सिंपल। एक जैसे ही आप लोग मुझे देखेंगे आपको लगेगा कि जैसे इन्होंने कहा है कि यही गड़बड़ है, तो वैसे हर किरदार के साथ यही लगे यही गड़बड़ है, नहीं ये होगा, नहीं नहीं ये होगा, तो ये आप खेलते रहेंगे टेबल टेनिस पूरा पूरी फिल्म में, फाइनली आपको पता चल जाएगा। बट बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है दुष्यंत जी ने इसे, क्योंकि जब इन्हें मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे बताया कि पैंडेमिक, पहली बात तो ये कि कैसे शूट करेंगे इतने सारे लोग और क्या, बस करेंगे आप खाली हाँ बोलिए, बाकी सब सेट हो गया। और मतलब मेरा कैरेक्टर का फोटो वोटो पहले से ही मुझे कास्ट करने से पहले ही इन्होंने पूरा मेरे को मतलब लिखा ही मेरा नाम लिख के था कि ये यही है, यही है। मतलब आपको श्योर था मैं करूँगा, बोला हाँ 100%।
मैं चलो भाई ठीक है, तो आपकी बात सही करते करते। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।